नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त राशि। दोस्तों, ज्योतिष में महिलाओं से जुड़े कई तरह के टोने टोटके बताए गए हैं, जिन्हें केवल महिलाएं ही कर सकती हैं। माना जाता है कि इन टोटकों या इन उपायों को करने से घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है और घर में रहने वाले लोगों का दुर्भाग्य यानी बुरा समय हमेशा के लिए चला जाता है। मैं आपको कुछ टोटके बताऊंगी जिन्हें यदि महिलाएं रात को सोने से पहले करें तो उनके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। घर के सभी सदस्य स्वस्थ व संपन्न होंगे। सूरज डूबने के बाद यदि बाहर का कोई भी व्यक्ति आपसे दूध या दही मांगे तो नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उस घर की लक्ष्मी दूसरे घर चली जाती है। दूसरा, रात को सोने से पहले किचन को साफ करके सोना चाहिए। इससे घर में वैभव और लक्ष्मी दोनों की प्राप्ति होती है। तीसरा, रात को सोने से पहले खाने के बर्तन साफ करके सोना चाहिए। गंदे बर्तन रात भर किचन में छोड़ना घर अशांति व बीमारी को दावत देता है। यही नहीं, रात भर झूठे बर्तन घर की लक्ष्मी को भी घर में प्रवेश करने से रोकते हैं और लक्ष्मी को स्थायी नहीं होने देते। इसलिए रात को सोने से पहले सारे गंदे बर्तन साफ करके सोना चाहिए। आज के समय स्त्रियां घर में मेड यानी काम वाली बाई से काम करवाती हैं, इसलिए उनके समय अनुसार ही घर के बर्तन की धुलाई होती है। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो आप कोशिश करें कि रात के बर्तन आप खुद साफ करके रखें। चौथा, रात को सोते समय अक्सर महिलाएं अपने आराम के लिए बाल खोल के सोती हैं। ऐसा करना घर में नेगेटिव एनर्जी को प्रवेश करवाता है, इसलिए घर की महिलाओं को कभी भी रात के समय बाल खोलकर नहीं सोना चाहिए। पांचवा, हफ्ते में एक बार रात को सोने से पहले घर के सभी कमरों में थोड़ा थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक एक अखबार के ऊपर रखकर फर्श पर रखें। सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए इस नमक को इकट्ठा करके किसी गंदे नाले में फेंक दे। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाएगी और यदि घर में किसी ने कुछ टोना टोटका करा रखा है तो वो भी बेअसर हो जाएगा। छठा, रात को सोने से पहले झाड़ू को साउथ यानी दक्षिण दिशा में रखें। सातवां, अगर रात को पानी साथ रखकर सोती हैं तो पानी को हमेशा साथ में रखें, अपने बेड के सिराने पर ना रखें। तो दोस्तों, ये थे वो काम जिन्हें घर की महिलाओं को रात में नहीं करना चाहिए।